बॉयज एंड बॉयज। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 देवी और सज्जनों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। और इस वाले वीडियो के अंदर मेरा एक बहुत ही मस्त गोल है, टारगेट है। एंड आपको पता होगा अपनी हार्डकोर सीरीज के अंदर एक बहुत ही मस्त बड़ा सा विलेज है, जो कि इतना अच्छा नहीं दिखता है, ऐसा दिखता है मतलब छी। तो मेरा गोल ये है कि इस वाले विलेज को मुझे कन्वर्ट करना है एक बहुत ही तगड़े मेडिवल विलेज के अंदर। अगर आपको नहीं पता है कि मेडिवल विलेज क्या होता है, तो यार ये वाली वीडियो पूरी देखो, आपको बहुत मजा आएगा। लेट्स गो। सो देखो यार, दिन था शायद से 80 या फिर 90 या फिर 95, पता नहीं कौन सा दिन चल रहा था। तो यार इच्छा से निकल तो चुके थे विलेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लेकिन पता कुछ था नहीं कि एक्चुअली विलेज ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या रहता है। फिर समझ में आया कि यार विलेज ट्रांसफॉर्मेशन में विलेज ही तो बनाना रहता है। बात तो सही है। तो हमने डिसाइड किया कि चलो जितने भी पहले से बने हुए घर हैं उन सब घरों को हटाते जलाते एंड उनकी जगह नए एक एक करके घर बनाते हैं। तो उसके लिए हमने सामान इकट्ठा करना शुरू किया। तो देखो यार, पहला घर बनाने से पहले जरूर था उसका सामान कलेक्ट करना। तो यहाँ पे मैं ना सामान कलेक्ट करने के लिए निकल चुका था, जिसमें डार्क की लकड़ी और अलग अलग लकड़ियां चाहिए थी। अब देखो यार, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस वाले विलेज ट्रांसफॉर्मेशन में हम जितने भी घर बनाने वाले ना, घर या फिर कुछ भी चीजें, उनके अंदर जो भी रिसोर्स लगने वाले वो बहुत ही आम रिसोर्स है, यानी कि सिर्फ लकड़ी पत्थर और लालटेन वगैरह और ये सारी बेसिक सी चीजें। सो यार अलग अलग पत्थरों को कलेक्ट करते करते मेरे माइंड में ऐसी आइडिया आया कि चलो यार जो अपना टीममेट क्या कर रहा है देख के आते हैं। मतलब यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, टीममेट कुछ कर रहा है फिर नहीं। और यहाँ पे आके मुझे दिखता है कि हाँ यार, मतलब बंदा बड़ी शिद्दत से लगा हुआ है, वो अपना घर बनाने में लगा हुआ है, मैं अपने घर बनाने में लगा हुआ है। अपनी चेस्ट से यार मैंने ना दोनों के दोनों शल्कर बॉक्स उठा लिए थे, क्योंकि मुझे पता है सारे घर बनाने में यार बार बार तो अपन चेस्ट में आने नहीं वाले, तो इसलिए मैंने शल्कर उठा लिया। और यहाँ पे आके काफी सारे स्टोन कलेक्ट करने लग गया, क्योंकि यार कहने को हमारे पास में लाइक काफी सारी चीजें थी, वैसे चीजें थी नहीं हमारे पास में कुछ भी। फिर फाइनली यहाँ पे आके अपनी पहली चेन की नींद सोई मैंने, जो कि पता नहीं कहाँ सो गया था। सर सुबह की 6 बज रही थी और मैं निकल चुका था रिसोर्स कलेक्ट करने। यू नो, अब मैं सारे रिसोर्स कलेक्ट करते हुए इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यार मैं शुरुआत के घर में ही रिसोर्स कलेक्ट करते हुए दिखाऊंगा, बाद में यार कितने सारे घर कितने सारे प्रोजेक्ट बनने वाले, तो यार सब चीजें तो नहीं दिखा सकते। और इधर आके मैं क्या देखता हूँ भाई, मैं यहाँ पर 2 शल्कर में लगा हुआ और मेरा टीममेट देखो भाई 8-10 पता नहीं कितने सारे शल्कर लगा रखे इस बनाने। लेकिन खैर कोई बात नहीं यार, ठीक है। और मैं फिर से आ चुका था स्टोन कलेक्ट करने। भाई सारी चीजें थी हमारे पास में, पता क्या चीज नहीं थी, कोबल स्टोन और स्टोन। तो देखो यार, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ही ना हमने 2 फार्म 3 फार्म बना दिए थे पहले से, जैसे कि वुड फार्म, वुल फार्म और कारपेट ड्यूपर, क्योंकि यार हमें पता था इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत लगने वाली है। और देख भी सकते हो मेरा टीम पर सामने लगा हुआ है फुल शिद्दत से, लेकिन उस बंदे के पेड़ ही बड़े नहीं हो रहे। और ये चीज देखते थे कि मैंने देखा भाई हम भी बड़े करेंगे पेड़ यार, तो मैं आ गया भाई स्प्रूस की सैपलिंग लेके और मैंने पेड़ बड़ा किया, लेकिन भाई मेरा पेड़ भी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये चीज देख के ना मेरा थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ था, मतलब इंसल्ट हो गई थी मेरी। मैंने बोला अब भी देखो तुम, अब भी 4 पेड़ लगा के बड़े करूंगा मैं, और 4 पेड़ लगा के फिर मैंने बड़े किए, और भाई इस बार बहुत ज्यादा बड़ा पेड़ हो गया था। एंड लकड़ी की कमी हमारे पास बिल्कुल थी नहीं, क्योंकि आपको पता है इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है वो है लकड़ी पत्थर कबल स्टोन। यही चीजें थी नहीं हमारे पास में। काफी सारी स्प्रूस की लकड़ी मैंने कलेक्ट करी, काफी सारी चीजें क्राफ्ट करी, एंड ऑलमोस्ट ना पहले घर का सारा रिसोर्स मेरे पास रेडी था, बस कुछ ओक की लकड़ी की कमी पड़ रही थी। तो जब मैंने अपने टीममेट से लकड़ी मांगी, मैं बोला भाई थोड़ी देर पहले तो बड़ी कर रहा था लकड़ी, थोड़ी देर तो मना ही कर दिया बंदे ने मुंह पे, लेकिन कोई बात नहीं यार फार्म अपना भी था, तो फार्म से थोड़ी लकड़ी वकड़ी निकाली और फिर आ गया था मैं यहाँ पे सोने। 3:30 बज रही थी मेरी घड़ी में जब मैं उठा अपने इस घर को बनाने के लिए, और उठते ही मैंने सबसे पहले अपना सामान चेक किया, सारा सामान था मेरे पास घर के लिए। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के अपनी जगह को थोड़ा साफ किया, स्वच्छ किया, थोड़ा सा मैप बनाया और एक अच्छी तरीके से मैप बना दिया था, क्योंकि यार किसी भी घर को बनाने से पहले उसका मैप बनाना जरूरी होता है। एंड हियर वी गो। राजू मैं ना नाचूंगा, मैं ना ना ओ ओ ओ घर बन गया अपना। ऑलराइट सो यार, यहाँ पे अपना एक्सटीरियर बन चुका था, और इंटीरियर बनाने में यार आप सोचो यार 3x4 के घर में कितनी मेहनत लगने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने पूरी शिद्दत से यहाँ पे इंटीरियर बनाने की कोशिश करी। मैंने लाइटें लगाई इस उम्मीद से कि यहाँ पे जो भी लाइब्रेरियन रहेगा वो मुझे एक एक एमरल्ड में चीजें देगा मस्त मस्त। अब देखते यार फ्यूचर में वो क्या देता है क्या नहीं देता है। और यहाँ पे मैंने 2 कुर्सियां लगाई इस बंदे के लिए, ताकि ये अच्छे से बैठ पाए, एंड कारपेट शारपेट लगाई और काफी सारी चीजें करी। तभी मेरे माइंड में ख्याल आया कि यार मेरा टीममेट क्या कर रहा हुआ, और तभी तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन यार
टीममेट भी अपना घर बना रहा था एक्चुअली। सर मेरा घर तो बन चुका था, मैं ऐसे हालचाल पूछने में टीममेट के पास आया कि हाँ भाई क्या चल रहा है, तो बंदा तो नाराज होकर निकल गया क्योंकि यार इस बंदे का घर बना नहीं था अभी तक। मेरा घर पूरा बन के डन हो चुका था, इस बंदे का अभी नहीं बना था। और यार घर कितना प्यारा लग रहा है ना एकदम, मतलब बहुत मस्त लग रहा है। सर मैंने क्या किया, अपने अगले घर की प्रिपरेशन करना शुरू कर दी थी मैंने, जिसमें अपने शल्कर बॉक्स को पहले खाली किया क्योंकि उसके अंदर यार ऑफकोर्स बात है पुराना सामान पड़ा हुआ था, तो उसको खाली किया, उसके अंदर नए नए सामान को इकट्ठा किया। और यहाँ पे ना अलग ही इंसिडेंस हुआ मेरे साथ पे, मतलब मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये देखो पता नहीं अजीब से, मतलब या तो मेरा लाइट्रा में कहीं ना कहीं छेद हो गया था या फिर कुछ दिक्कत हो रही थी, मतलब अजीब सा सीन। तो यार अगले घर की तोड़फोड़ कर रहा था मैं, तभी मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि पहले सो जाते क्योंकि सोना जरूरी है। फिर मैंने काम को शुरू किया एंड फिर सो गया मैं। फिर मैं उठा, उठते ही मैंने फिर से काम को शुरू किया, काफ़ी काम किया एंड फिर से सो गया। फिर काफ़ी ज़्यादा काम किया मैंने, तोड़ फोड़, काफ़ी जगह को क्लीन करना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड अगेन सो के मैंने घर वर को जलाया एंड आया मैं काम करते, तभी मैंने सोचा एक बार सो ही जाते प्रॉपर तरीके से। क्या है कि बार बार सोने नहीं आऊँगा मैं, कितने बार सो गया हूँ मैं ना। जब किस्मत खराब होती है ना तो ऐसे सीन होते हैं। अब देखो मेरा घर पूरा बन चुका था, अब मैं इंटीरियर बना रहा था, तो देखो ऐसे ऐसे गलत गलत ब्लॉक लगेंगे, तो ये ब्लॉक पहले गलत लग गया ऑटोमेटिकली। अब मैं नीचे गया, यहाँ पे एक ट्रैपडोर लगाना, तो ये ट्रैपडोर फिर अलग लग गई। अब लगा हुआ हूँ मैं हाथों से, यहाँ मेरे पास एक्स निकालने का तक टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि यार यू नो बहुत ज्यादा मेहनती एंड दैट्स काइंड ऑफ स्टफ। तो यार यहाँ पे काफी ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल दी मैंने, आउट ऑफ द बॉक्स। खैर जो भी है, यहाँ पे दो प्यारे प्यारे दरवाजे लगाए मैंने ताकि ये जो कमरा है, इतने बड़े बड़े कमरे, इनमें यार प्राइवेसी फुल रहनी चाहिए ना, तो इसलिए 4x2 के कमरे में दरवाजा लगाया मैंने एंड इंटीरियर बेड वेड 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 काफी सारी चीजें लगा के एकदम घर को मस्त कर दिया एंड शल्कर बॉक्स तोड़ा वोड़ा एंड 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 सेकंड हाउस मेरा कम्प्लीट हो चुका था। यहाँ पे मैंने दो घर बना लिए थे एंड थर्ड में हाँ एक बहुत ही आलीशान सा टावर बनाने वाला था, लेकिन तभी उड़ते उड़ते मैंने क्या देखा कि मेरे टीममेट से भाई पहला घर नहीं बना। हाँ ऐसा कोई नहीं बोलेगा भाई कि टीममेट थोड़ा बड़ा और महंगा घर बना रहा है, मेरे भी घर काफी अच्छे हैं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपने थर्ड बिल्ड की प्रिपरेशन करना शुरू करी, यानी कि जगह वगैरह को क्लीन करना। एंड थर्ड बिल्ड क्या था, बहुत ही ऑफकोर्स बात मैं बता देता हूँ यार, बता देता हूँ इतना ज्यादा सस्पेंस नहीं रखना। तो यार यहाँ पे मैंने मैप बनाई एक टावर के लिए, और मैंने पहले सोचा था बनाने से पहले कि यार ये टावर शायद काफी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं बनने से पहले ही बता रहा हूँ ये टावर ना इतना ज्यादा अच्छा था कि पूछो मत, है ना। तो बहुत ही बेसिक सा टावर बनाया मैंने एंड इसका बिल्ड से देख लो यार तुम, कोबलस्टोन ब्रिकस्टोन इन दो ही पत्थरों का यूज है हमारे सारे बिल्ड के अंदर। खैर यार ये टावर बना दिया था मैंने एंड ऑफ द डे, बट हाँ इतना ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा था, मतलब एक्सपेक्टेशन मेरी काफी ज्यादा थी, लेकिन इतना अच्छा नहीं बना। लेकिन कोई बात नहीं, आगे अपन बहुत ही ओवर द टॉप टावर बनाने वाले, वो थोड़ा सा टाइम है उसमें लेकिन बनाने वाले। और बड़ी ऑफकोर्स सी बात है फिर सोने आ गए हम, क्योंकि यार आपको पता है यार 15 मिनट की वीडियो में 14 मिनट तो मैं सो ही रहा हूँ, मतलब बिना सोए तो भाई काम ही हो रहा था ना। यार जो भी हो, यहाँ पे मेरे 3 बिल्ड बन चुके थे जिसमें से 2 बिल्ड मेरे अपने घर थे। यार घर कितने अच्छे बने भाई, बहुत अच्छे, एंड ऑफ द मोमेंट देखना तो बहुत मजा आएगा उसको देखने में। एंड एक और चीज टावर थी, अब मैं कहूंगा टावर को तुम ना ही गिनो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे अच्छा टावर बनाने वाला हूँ मैं आगे। ये टावर देख के मेरा खुद का दिमाग मूड खराब हो गया था, लेकिन मैंने इसको हटाया नहीं, मतलब ठीक है यार रहने देते। यार यहाँ पे मैंने अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए सामान कलेक्ट करने लग गया था काफी सारा सामान, और ये चीज बनाने के लिए ना मैंने काफी टाइम पहले से सोच रखा था कि यार ये चीज ना मैं अपने माइनक्राफ्ट वाले वर्ल्ड में कभी ना कभी तो जरूर से बनाऊंगा। तो हाँ मैं बनाने वाला था फिशिंग डॉक, आप फिशिंग डॉक समझते हो ना, इसका सारा सामान मैंने कलेक्ट कर लिया था अपने शल्कर बॉक्स के अंदर एंड मैं आ चुका था अपना फिशिंग डॉक बनाने। और वहीं पे मेरा टीममेट भाई अभी तक उसका पहला हाउस ही बना रहा था, मुझे नहीं पता यार मतलब वो हाउस इतना भी है, मतलब इतना भी ज्यादा कुछ एडवांस नहीं है, फिर बड़ा नहीं है कि भाई इतना टाइम लग रहा था। और फिर मैं आ गया सोने क्योंकि एज यू नो बिन सोए ना काम होए। खैर जो भी हो, यहाँ पे मैं अपना फिशिंग डॉक बना रहा था एंड फिशिंग डॉक समझते हो ना, जहाँ पे अपन लाइक उस जगह जाके अपन फिशिंग करते एंड अपन बोट्स वगैरह यहाँ पे आके खड़ी रहती है अपनी अपनी जितनी भी पर्सनल प्राइवेट बोट वगैरह होती है ना, वो सारी बोट इस जगह पे खड़ी रहती है। तो अभी तो बन रहा है, बनते हुए इतना अच्छा लगेगा, लेकिन भाई जैसे ये बन जाता है एंड ऑफ द डे देखना ये चीज
बहुत ज्यादा एपिक लगने वाली है। ऑलराइट सर, फिशिंग डॉक ऑलमोस्ट पूरा बना दिया था मैंने, बस इसके अंदर कुछ काम बाकी था जैसा कि टॉर्चेस लगाना, यानी कि लालटेन अपनी जगह पे प्लेस करना और अपनी अपनी कुछ जगह पे बोट को प्लेस करना, तो वो सारी चीजें लगाई मैंने एंड फिशिंग डॉक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था भाई। बहुत मस्त लग रहा था रियल टाइम मतलब मेरे को देखने में, एंड वैसे तो एंड में दिखी जाएगी सारी चीजें आपको। खैर, यहाँ से मैं फिशिंग डॉक की बोरी फीलिंग लेने के लिए अपने बोट में बैठा और जैसे ही मैं निकला और सर मेरा फिशिंग डॉक जब कंप्लीट हुआ मतलब जब वो बन रहा था तभी मेरे टीममेट ने उसका पहला हाउस कंप्लीट कर लिया था और दूसरे हाउस के लिए भाई मैपिंग करना शुरू कर दिया था। तो यार मैं आया देखने और भाई तब पता चला कि भाई पहला हाउस बन गया, और अपनों ने पहला हाउस देखा नहीं है ना अभी तक। ऑलराइट बॉयज एंड बॉयज, सो आप देख सकते हो यार पांचवा घर का नंबर आ चुका था अपना, यानी कि पांचवा घर में बनाने जा रहा था, यानी कि इसकी जगह वगैरह मैंने साफ कर ही दी थी। और आपको एक चीज दिखाऊं, अभी तक अपना विलेज कुछ ऐसा दिख रहा था, एंड एंड ऑफ द डे कैसा दिखेगा वो तो लास्ट में देखना। फिर घर बनाना शुरू करते हैं। देखो यार इस विलेज के अंदर बहुत सारे बिल्ड है वैसे तो, लेकिन मैं सारे बिल्ड्स नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि यार सारे बिल्ड्स को दिखाने की सिनेमैटिक प्रोसेस सेम ही है, यानी कि मैं रिप्ले की अगर रिकॉर्डिंग भी अगर आपको दिखा दूं तो यार वो सेम ही है, सारे रिकॉर्डिंग सेम है, तो इसलिए मैंने सारी रिकॉर्डिंग डाली नहीं है, मैंने बस जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो ही डाले। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज याद आई कि यार मैं अपने पास में ड्रैगन एक भी है प्लस दो दो हेड है जो कि हम एंड सिटी से लेके आए थे, तो यार वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से तो नहीं लगाए, ऑन एवरेज तरीके से लगा दिए, बाद में इसको रखने के लिए एक बहुत मस्त चीज बना देंगे अपन ऐसा होगा अगर कुछ तो। एंड यहाँ पे मैं अपने हाउसेस बनाने लग गया था, एंड एंड ऑफ द डे फाइनली हमारे सारे विलेज के सारे पूरे विलेज के सारे हाउस और सारी शॉप्स काफी सारी चीजें हमने बना दी थी। खैर चिंता मत करो, टेंशन मत लो, यहाँ पे सबसे पहले मुझे सोने दो यार क्योंकि सोना जरूरी है। राइट बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा विलेज फाइनली बन के डन हो चुका। और भाई विलेज विलेज क्या होता है यार, अपने विलेज का एक बहुत ही तगड़ा सा नाम है यू नो ग्रीनडेल, जो कि अपनों ने अपने वर्ल्ड का नेम रख रखा है बहुत पहले से। खैर यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आता है अपना सबसे पहला हाउस जो कि अपने सबसे पहले बनाया था, और ये एक्चुअली एक लाइब्रेरियन का हाउस है, बाकी सारे हाउस अंदर से एक नंबर बने हुए। खैर यहाँ पे हाउस आता है अपना, फिर अपना इधर से एक रास्ता आता है जो कि अगर अपन इससे करके आते तो ये एरिया थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज है, चलो इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। खैर यहाँ आते सबसे पहले तो ये रास्ता जब इधर आता है तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं यहाँ पे एक मस्त शॉप है जो कि है एक आर्मरर की, जो यहाँ से अपन आर्मर वगैरह खरीद सकते हैं। और कहने का मतलब ये है कि इस विलेज के अंदर हर प्रोफेशंस का विलेजर है, हर प्रोफेशंस के विलेजर के लिए शॉप है, एंड उसके लिए उसकी फैमिली के लिए एक मस्त हाउस है। ऑलराइट इधर आते तो यहाँ पे अपना दूसरा हाउस दिखता है जो की पता नहीं मतलब किसका हाउस है, अगर मैं यहाँ से आके खिड़की में देखूँ तो कौन दिखता है। ओके एक फिशरमैन दिख रहा है, एक फिशरमैन दिख रहा है, हर में चलने का। ओ काली बिल्ली, वो खैर छोड़ो जो भी है। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा ब्रिज दिखता है, छोटा सा ब्रिज जो कि एक लेक के ऊपर से निकलता है, और इस लेक के अंदर ऐसे विलेजर भी इधर से उधर आते रहते हैं। लेक के अगर अंदर जाके दिखाऊं मैं तो इधर से काफी मस्त पानी इधर से उधर निकलता रहता है। एंड खैर इधर आते हैं तो इधर एक आर्चरी का घर, हेलो आर्ची मेरे पास तीर नहीं है, हेलो ये क्या बात हुई। यहाँ पे एक और ये हाउस दिखता है अपने को, एंड अगर इधर से एक रास्ता जाता है मतलब इस पूरे विलेज के अंदर एक रास्ता है जो कि हर हाउस से हर शॉप से और पूरे विलेज से इंटरकनेक्टेड है। और इधर आते तो अपना एक बहुत ही बेकार सा टावर दिखता है जो कि इतना अच्छा नहीं है। इस टावर के जब ऊपर आते तो ओ भाई 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 हेलो सर, आप ऊपर कहां से आए हो, हेलो ये बंदा ऊपर कहां से आया है यार। यहां पे अपनों को मतलब ये टावर बहुत ही ऑन एन एवरेज टावर है, मतलब ठीक ठाक टावर है, यहां से अपन लाइक एक लुक ले सकते हैं पूरे विलेज का। एंड यहां से देखना ऐसे जंप मारो ना, ऐसे जंप मारो के। खैर यहां से एक रास्ता जाता है जो कि इस लेक के साइड साइड में होकर जाता है, यहां पे देखो एक बहुत प्यारी सी लेक भी दिखती है अपने को अपने विलेज के अंदर। एंड इधर आते ये रास्ता कनेक्ट होता है अपने, पहले खाना खा लेता हूं मैं,
डकिंग डक्स है, सॉरी फिशिंग डॉक्स है, ऑलराइट, जहां पे अपन फिश कर सकते हैं। इस एरिया में आके मस्त फिशिंग विशिंग कर सकते हैं अपन। इधर से अपन बोट वोट लेके कहीं पे जा भी सकते हैं टूर करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। खैर इधर से इस पाथ से जब अपन ऊपर आते तो इधर से भी अपन लेक का एक अलग व्यू से ले सकते हैं नजारा। यहाँ पे विलेजर घूम रहे काफी सारे। यहाँ पे एक और घर आता है। ओ कितने विलेजर है भाई यहाँ पे, हेलो, सब यहाँ पे इकट्ठे हो रखे। खैर यहाँ से ये रास्ता इधर विलेज के बाहर बाहर साइड से कनेक्ट हो रहा है। खैर यहाँ से एक काफी चिल मारने के लिए एक जगह है जहाँ पे आपके लाइक अपन बैठ सकते हैं एंड चिल मार सकते हैं। यहाँ पे ये वाली शॉप्स इतनी अच्छी, मतलब ये भी अच्छी है यार, लेकिन वो जो उधर उधर की जितनी भी शॉप्स है ना वो मैंने बना रखी है, ये अपने हाँ अभी भाई ने बनाई थी। खैर जो भी, एक बार बीच में भी चलेंगे अपन। खैर उससे पहले यहाँ पे अपना एक टावर दिखता है। अगेन बोल रहा हूँ मैं इंटीरियर वगैरह नहीं दिखाने वाला हूँ अच्छे से। खैर यहाँ पे आते हो, ये आ जाते हैं अपन सबसे टॉप के ऊपर। एक्चुअली इससे भी टॉप है, वहां पे एक ब्लॉक लगा हुआ है। देखो ध्यान से अगर दिखाऊं तो एक पूरी लंबी लाइन बनाई थी हमने डर्ट वर्ड से, और ऊपर जाके एक लकड़ी का ब्लॉक प्लेस किया था ताकि ऊपर से हम विलेज का लाइक व्यू ले सके बार बार। खैर यहाँ से अपना विलेज कुछ ऐसा दिखता है जो कि बहुत मस्त दिखता है। एंड अगर मैं नीचे कूदता हूँ, ठीक है, तो कूद जाता हूँ मैं। अभी ज़ॉम्बियों में से पंगे नहीं लेने वाला हूँ मैं। खैर यहाँ पे बीच में एक बार दिखा देता हूँ मैं, बीच में एक छोटा सा फार्म बना हुआ है जहाँ पे एक अपना विलेजर हरदम तैयार रहता है। एंड मिड ऑफ द विलेज एक और हाउस है यहाँ पे, एंड यहाँ से भी लेक का मस्त व्यू ले सकते हैं अपन। एंड इधर आते तो अपन फिर से अपने चौराहे के ऊपर जो विलेज का मिड पॉइंट है वहां पे आ जाते हैं। एंड इधर आते तो यहाँ पे एक और शॉप दिखती है अपनों को, जो कि या इससे मतलब पत्थर वत्थर खरीदने वाला बंदा है ये। यहाँ पे इधर साइड में भी एक शॉप है जो कि जहां जहां रास्ते जा रहे हैं ना, ये देखो ये रास्ता इंटरकनेक्टेड है पूरी तरीके से घर से। ऑलराइट यहाँ पे एक अगेन एक और ब्रिज आता है जो कि लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है। एंड अगर मैं यहाँ से इस लेक के अंदर कूदूं, मस्त ब्रिज है भाई, बहुत अच्छा। यहाँ पे लाइट्स कम दिख रही है मेरे को, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। फिर इधर आते हैं तो यहाँ पे इस रास्ते से चलते हैं ना अपन, तो यहाँ पे देखो एक और शॉप दिखती है जहाँ पे विलेजर है। यहाँ पे एक और घर दिखता है अपने को। एंड फिर इधर आते हैं अपन, इधर आते एंड ये रास्ता फिर से कनेक्ट होता है एक और शॉप के साथ में। एंड अगर इसी रास्ते से अगर अपन चलते चलते आते हैं तो इधर भी एक शॉप दिखती है अपने को, जो कि ये किसकी शॉप है यार, यहाँ पे एक लाइब्रेरियन है। एंड यहाँ पर ये जगह दिखती है अपने को चिल करने की जगह, जहाँ पे खाना वाना रखा हुआ है काफी सारा। यार यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऐसे बैठ के अपन अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ गपशप कर सकते हैं। एंड सुबह हो रही है, जल्दी जल्दी दिखाता हूँ भाई, सुबह हो रही। एंड इधर से जैसे ही मैं नीचे उतरता हूँ और ये यहाँ पे भी ये लेक आ जाती है छोटी सी। एंड वो जो एरिया ना, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बनाने वाला हूँ इधर में, मतलब जितने भी फार्म वगैरह बनेंगे वो सब इधर साइड में बनाएंगे अपन। ये जगह हमने इसलिए बनाई थी ताकि हम ना लाइक यहाँ से एक प्यारा सा लुक ले सके, और ऊपर से भाई क्या दिखता है विलेजर। खैर यार जो भी हो, हमारा विलेज ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था एंड ये हमारे विलेज का नाम है ग्रीनडेल। ऑलराइट, सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए अगर देख रहे थे तो। एंड एक लाइक छोड़ देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं कर रखा है तो। एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। बाय बाय।